हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन ऑन माय चैनल। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ और डालता रहूँगा। सो आज का जो वीडियो है, जैसा आपने कैप्शन देखा होगा, हम लोग बात करेंगे FFV की, यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल और फ्लेक्सिबल फ्यूल की। इसमें हम लोग तीन पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे। एक, करंटली गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर चालू है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या गाइडलाइन है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल फ्यूल है क्या चीज़। तीसरा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि आपको एज एन ओनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कार, जैसे आप कोई ना कोई गाड़ी ओन कर रहे हैं या ओन करने वाले, तो इसमें आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तीन चीज़ पे हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट का क्या मूड है इस पे। सो अगर मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जो टारगेट था गवर्नमेंट का, ये 2030 था, बट उसको प्रीपोन्ड करके यही साल जून वगैरह में अनाउंस किया गया था कि अब हम लोग फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल और फ्लेक्सिबल फ्यूल को 2024 से 2025 तक लेके आ जाएंगे। बट यही वेनसडे को, जो वेनसडे गया है अभी, इस पे नितिन गडकरी साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कि विद इन 6 मंथ्स आप फ्लेक्सिबल फ्यूल पे कन्वर्ट हो जाओ। सो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये चीज़ रिक्वेस्ट आई है उनके एंड से, ये कोई ऑर्डर नहीं है और ये चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसका अभी तक फाइनल डिसीजन आया नहीं है। सो होप मैंने गवर्नमेंट के एंड से आपको बता दिया क्या स्टेटस है करंटली। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, ये फ्लेक्सिबल फ्यूल को हम लोग इतना क्यों प्रमोट कर रहे। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमारा इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है पेट्रोलियम को इम्पोर्ट करने के लिए, पेट्रोल को इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के साथ और एक फ्यूल जो एथेनॉल की हम लोग बात करने वाले आगे, वो मिक्स होगा, तो उतना परसेंटेज इम्पोर्ट का कम हो जाएगा और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट US डॉलर जिसपे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो बच जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरी चीज़ पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये है क्या फ्लेक्सिबल फ्यूल है क्या। सो बेसिकली फ्लेक्सिबल फ्यूल का नाम अगर मैं आपको बताऊँ, E5 होता है, E8 होता है, E10 होता है। सो ये E5 है क्या फ्लेक्सिबल फ्यूल, एकदम सिंपल में अगर बता दूँ तो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल ऐसी व्हीकल होती है जो सिर्फ पेट्रोल पे भी चलेगी, सिर्फ फ्लेक्सिबल फ्यूल पे भी चलेगी या मिक्स फ्यूल पे भी चलेगी। और ये जो फ्लेक्सिबल फ्यूल की हम लोग बात करें, ये फ्यूल क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सो अगर मैं आपको बोलूँ E5 है करंटली जो फ्लेक्सिबल फ्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो E5 में E का मतलब होता है एथेनॉल और 5 का मतलब होता है एथेनॉल का परसेंटेज। सो अगर E5 है तो 1 लीटर फ्यूल में 95% जो है वो आपका पेट्रोल है और 5% जो है आपका एथेनॉल है। अब ये एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक अल्कोहल है जो बायो वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। बायो वेस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे शुगर केन जब आप हार्वेस्ट करते हैं जो उसका वेस्ट बच जाता है, या आप कॉर्न अगर हार्वेस्ट करते हैं जो कॉर्न बच जाता है, ये दोनों चीज़ से एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल मिक्स फ्यूल को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब एक मिक्स किया हुआ फ्यूल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात बताऊँ अगर मैं, एथेनॉल या फ्लेक्सिबल फ्यूल कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया के लिए, ऑलरेडी 15 स्टेट्स में इंडिया के फ्लेक्सिबल फ्यूल अवेलेबल है। बट हाँ, इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है अभी, जैसे E5 अवेलेबल है या E8 या E10 अवेलेबल है। E10 का मतलब 10% एथेनॉल और 90% इसमें जो है पेट्रोल मिक्स है। अब जो गवर्नमेंट का करंट टारगेट है वो E25 है। E25 की अगर मैं बात करूँ तो 25% एथेनॉल आ जाएगा उसमें और 75% पेट्रोल आ जाएगा। अब E25 आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है एथेनॉल का, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील, US, स्वीडन, ये सारी जगह पे E85 तक का भी मिक्स किया हुआ फ्लेक्सिबल फ्यूल अवेलेबल है। तो ना ही ये इंडिया के लिए कोई नई चीज़ है, ना ही ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोई नई चीज़ है, तो इसका आपको ज़रा भी दिक्कत टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ, तो जब से इंटरनल कम्बशन इंजन बने हैं, फ्लेक्सिबल फ्यूल हमेशा से अवेलेबल है, तो आपको ऐसा कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको मैटर करता है, आपकी गाड़ी का क्या होगा अगर फ्लेक्सिबल फ्यूल आ जाएगा। तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक थंब रूल है, 2000 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ बनी है वो फ्लेक्सिबल फ्यूल पे चलेगी, आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे 2000 का मैंने बोल दिया, तो 2000 की जो ऐसा जूनी गाड़ियाँ रहेगी ना, तो उसमें जो फ्यूल टैंक वगैरह होता है या जो उसके पाइप्स होते हैं, एथेनॉल क्योंकि बहुत कोरोजिव होता है तो उसमें कोरिजन का चांसेस रहेगा। लेकिन जो रिसेंटली आपने गाड़ी परचेस की है, मेरा तो बोलना ये कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी
आएगा भी नहीं। तो आप बिल्कुल भी फिकर मत करिए, एथेनॉल E25 जो आने वाला है वो कब आएगा वो तो पता नहीं, बट जल्दी भी आ जाएगा तो आपको एज अ व्हीकल ओनर, व्हीकल यूजर इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ आएगी नहीं। सो होप ये क्लियर है आपको। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।